सभी दोस्तों को जय हिंद। एक भाई का कमेंट है कि आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। तो इस वीडियो में मैं अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस जॉब के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या एग्जाम प्रोसेस है, कितने फेज हैं इसके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। छोटे से वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चयन BSF में हुआ है, JEE के पद पर, अर्थात जूनियर इंजीनियर, जिसमें रैंक है सब इंस्पेक्टर, जो कि वर्दी पे 2 स्टार मिलता है। और दोस्तों इस जॉब को पाने के लिए वैकेंसी हर साल आती है, लगभग लगभग हर साल आती है। हाँ, थोड़े सीट कम होते हैं। मेरे वाले में तो 32 वैकेंसी थी इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें कि मेरा 9 रैंक था। तो दोस्तों आपको इस जॉब के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, जो कि ऑनलाइन फॉर्म आता है, और योग्यता होनी चाहिए पॉलिटेक्निक अथवा डिप्लोमा। डिप्लोमा 3 ईयर का होना चाहिए। सिविल के लिए भी वैकेंसी आती है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी वैकेंसी आती है, दोनों ब्रांच के लिए आती है। तो डिप्लोमा ही इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। केवल अगर बीटेक है तो आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म को, डिप्लोमा होना ही चाहिए। ठीक है, तो डिप्लोमा के बेस पे फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होता है इसका। इसका 2 फेज में एग्जाम होता है, एक होता है प्री और मेंस। ठीक है, प्री और मेंस जो लिखित एग्जाम होते हैं। प्री मेंस एग्जाम देने के बाद इसका मेरिट आता है फिजिकल के लिए, तो सेकेंड फेज में फिर से एडमिट कार्ड जारी होता है और उसमें फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल का क्या क्या क्राइटेरिया है कि 1600 मीटर की रनिंग होती है 7 मिनट में, और उसके बाद एक हाई जंप होता है और लॉन्ग जंप होता है। हाई जंप होता है 3.5 फीट का और लॉन्ग जंप होता है 11 फीट का। ये होने के बाद आपको, अगर आप वहां तक लास्ट तक अगर क्लियर कर लिए हैं, पास कर लिए हैं जंप जंप को भी और रनिंग को भी, तो आप तीसरे फेज के लिए चयन किए जाते हैं। अगर आपका रनिंग या ये हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं हो पाया तो वहीं पे क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, आपका फिर सिलेक्शन वहीं पे रुक जाता है। तो तीसरे फेज का जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें आपका ट्रेड टेस्ट होता है। एक ट्रेड टेस्ट होगा, जिसे ट्रेड टेस्ट में क्या होगा कि बहुत सारे मेजरमेंट के चीजें रखे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, और पूछा जाता है कि इसमें इससे क्या होता है, इससे क्या मेजर करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट में इंटरव्यू के बाद, जो भी ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल थोड़ा सा फौज का है तो मेडिकल हार्ड होता है, और मेडिकल हो जाने के बाद फिर लास्ट में मेरिट बन के आती है। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपका चयन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा जॉब प्रोफाइल। आपको इतने चरण पार करने होंगे फिर ये आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो बहुत कठिन नहीं है, बस एक प्रयास होगा, एक मेहनत होगी तो जरूर आपको प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे, क्या क्या इसका सिलेबस पैटर्न है, मैं आपको बस साझा करूंगा आप लोग के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।